तो फ्रेंड्स, बारिशों में आपने भी बहुत ज़्यादा तले हुए पूरी पकवान पकौड़े खा लिए हैं और अब चाहते हैं कुछ हेल्दी खाना, तो आज की ये वीडियो पूरी देखना। जी हाँ दोस्तों, सिटी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे। बहुत ही आसान सी पर बहुत हेल्दी रेसिपी बनाएंगे और आप इसे बचे हुए ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 ब्रेड पीस लिए हैं और इस तरह से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और ये देखिए, जब आप इसके इस तरह से हाथ से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लें, तब आपको करना क्या है, एक मिक्सर ग्राइंडर लें और इन टुकड़ों को ग्राइंडर के अंदर आप डाल दीजिए। और ये देखिए, मैंने सभी टुकड़ों को ग्राइंडर के अंदर ऐड कर दिया है। और अब इस ब्रेड के साथ हम एक काम करेंगे, आधा कप सूजी यहाँ ऐड करेंगे। सूजी वही हलवा बनाने वाली, मोटी हो महीन हो जैसी भी हो। और आधा कप पानी डाल दीजिए और अब इसको आप पीस लीजिए। बहुत जल्दी विद इन ए मिनट ये पीस के एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। अब आप इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। यकीन जानिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी 5 मिनट में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट इसका बन चुका है। आप इसको इस तरह से एक बर्तन में सभी पेस्ट निकाल लें। और अब एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले डाल दीजिए नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ी प्याज हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप इसमें कुछ सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, चाहे तो शिमला मिर्च हो, टमाटर हो, आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल प्याज और हरी मिर्च ही थी किचन में। बारिशों में सब्ज़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो बस मैंने थोड़ा प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। और हाँ, मैं देखती हूँ शायद थोड़ा सा हरा धनिया पड़ा हो, तो वो भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। और ये देखिए, इसको सभी मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसा कि मैंने किया है। और यहाँ पर हम थोड़ा धनिया पत्ती भी ऐड करके सभी मसालों के साथ इसको ढक देंगे और ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए आप। और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सूजी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी। अब यहाँ चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दीजिए और चुटकी भर बेकिंग सोडा के साथ आप नींबू का रस डाल दें। इससे ये सोडा एक्टिवेट भी हो जाएगा और नींबू से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसको फटाफट से हल्के हाथ से मिला लेना है और अब इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये पकने के लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। और अब इसके बाद बस आप कोई भी पैन गरम करें, तवा गरम करें, लोहे का हो या नॉनस्टिक, जैसा मर्जी ले सकते हैं। और हल्का सा ग्रीस कर लीजिए उसको। देखिए बहुत कम तेल में बनेगा ये नाश्ता। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा चुके हैं, हल्का चाहते हैं, तो वो ज़रूर ट्राई करें। और इस बैटर को आपने फैला देना है इसके अंदर। जितना भी बड़े साइज़ का आपको बनाना हो, उतना बड़े साइज़ का आप इसको आकार दे सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से आप इसको पैन के अंदर जब फैला दें, तब आप इसे ढक कर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। और ये देखिए, मैंने इसे ढक दिया है। अब 2 मिनट तक इसे पका लेते हैं। 2 मिनट के बाद इसको आपने पलटना है और ढक कर इसे वापस से पलट दीजिए। ये देखिए, ऊपर से जब लगे थोड़ा सा सिक गया है और पैन छोड़ दिया है इसने, तब आप हल्का सा तेल लगाकर इसको पलट दीजिए, जिससे कि ये नीचे की साइड में हम इसे सेंक लें। और ये देखिए, इसी तरीके से एक दो बार इसको पलटते हुए दोनों साइड से आपने सेंक लेना है, जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और यकीन जानिए, आपको ये चीले और पराठे से कहीं ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता लगेगा। और फ्रेंड्स, याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ की वीडियो रोज़ाना देखने के लिए। और बेल आइकन के सामने ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, इससे आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये देखिए, बातों ही बातों में हमारा टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। इसको मैंने उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से सेंक लिया है। आप इसको मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड तक सेंक सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है और बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, लगभग इस तरह का फ्लेवर है। तो आप एकदम से
आपको ये नहीं लगेगा कि बड़ा बोरिंग सा नाश्ता है, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है ये। आप देखिए, इसके सामने आपको आलू के पराठे भी फीके नज़र आएंगे। आप इसको मक्खन लगाकर हरी चटनी के साथ या पिज़्ज़ा सॉस के साथ खाएं, ओए होए होए, बहुत टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हो गया भाई। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।